हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड शेफर्ड एजुकेशन सेंटर एंड आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल। टुडे वी कंडक्ट क्लास 5th। सब्जेक्ट आपका SST है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री जो आपने चैप्टर पढ़ा था, हिस्ट्री का ये फर्स्ट लेसन है। तो जो आपने चैप्टर पढ़ा था द हिस्ट्री ऑफ द UN, ओके, तो आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। पहला आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शंस है, जिसमें करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक करना है। आपकी अपनी फेयर बुक्स में करिएगा ये सब। और पहला है आपका 24 अक्टूबर, सेकंड है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, थर्ड है आपका स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ है आपका USA, फिफ्थ है आपका US प्रेसिडेंट रोजवेल्ट। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। यहाँ पहला है सिंपल, सेकंड है वर्ल्ड वॉर सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड है 1939-1945, फोर्थ है आपका न्यूयॉर्क, फिफ्थ है आपका जर्मनी। इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड आपका ट्रू है, थर्ड आपका फॉल्स है, फोर्थ आपका ट्रू है, फिफ्थ आपका ट्रू है। फिर आपकी ये मैचिंग है जो दी गई है, देखिए 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, द लेग्यू ऑफ नेशन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, सैन फ्रांसिस्को कैरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945। इस एक्सरसाइज को आप अपनी बुक्स में करिएगा। और आज हम करेंगे वन वर्ड आंसर इन वन वर्ड, इसी चैप्टर के करेंगे, द हिस्ट्री ऑफ द UN के। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सिटी वॉज अ मेंबर ऑफ लेग्यू बिटवीन 1926-1933, आपका क्या है जर्मनी आंसर। सेकंड है विच वर्ल्ड वॉर वॉज मैसिव इन स्केल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सेकंड वर्ल्ड वॉर। In which city the United Nations headquarters, New York City. Name the two principal of UN, justice, dignity. When did the UN was formed? 24 October 1945. Who was signed by the character of the UN? US President Roosevelt. Write the full form of SDN, Society des Nations. Name any two permanent members of the Legue Council, France, Italy. What represented the UN flag? Peace and harmony. How many permanent members the Legue? Answer आपका है 4। तो ये आपके जो वन वर्ड्स है, इसे आप अपनी फेयर कॉपीज में करिएगा। ये आपका होमवर्क होगा। बाय।